नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत महत्व है। ये महीना भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है और जो कोई पूरे सावन महीने में सच्चे मन से शिवलिंग पर जल, फूल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन महीने में भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर जल चढ़ाने जाते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस साल कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा 2023 सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरे सावन खत्म होने तक चलेगा। बता दें कि इस साल पवित्र मास सावन 4 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। कांवड़ यात्रा का समापन भी 31 अगस्त को ही होगा। सावन में कांवड़ यात्रा का बहुत अहम महत्व होता है। हर साल सावन में कांवड़िए कांवड़ लेकर शिव मंदिरों में जाते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। झारखंड के बैद्यनाथ धाम समेत अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूरे सावन कांवड़ियों की भीड़ रहती है। दूर दूर से शिव भक्त कांवड़ लेकर महादेव के दरबार में पहुँचते हैं। सावन माह में आने वाले हर सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन का पहला सोमवार व्रत भक्तों के लिए काफी मायने रखता है। इस साल सावन के पहले सोमवार पर खास योग बन रहे हैं। सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई 2023 को रखा जाएगा और इसी दिन रवि योग का संयोग बन रहा है। धर्मशास्त्र में रवि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस योग में की गई पूजा पाठ और मंत्रों का उच्चारण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं रवि योग में शिव परिवार की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली आती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।